नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत। शख्सियत की हमारी मेहमान है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर किरीट सोमैया जी की अर्धांगिनी श्रीमती मेधा सोमैया जी। मेधा जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपको वो सौभाग्य मिला है, यूँ कहें कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर को अपना आदर्श मानती हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर पद्म विभूषण श्रीमती सुमित्रा जी महाजन पर पंचवर्षीय उनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल, संसदीय कामकाज का उनका एक अपना तरीका, उस पर बुक लिखने का कितना सौभाग्यशाली मानती है अपने आप को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी जी, कि मैं मेरा नाम मेधा सोमैया या मेधा किरीट सोमैया ऐसा नहीं लिखती हूँ। ओके, मैं मेधा किरीट यही नाम से परिचित हूँ और यही नाम से लिखती हूँ। ओके ओके, आप उसका जरूर मुझे सवाल पूछेंगे जी। तो मैं सावरकर जी की भक्त हूँ। ओके, और ज्ञातिवाचक कुछ भी हो जी जी वो मैं नहीं इस्तेमाल करती। क्या बात है, क्या बात। इसीलिए मैं मेरा उपनाम नहीं यूज करती जी। मैं मेरा खाली खुद का नाम और दूसरा मेरे हस्बैंड का नाम यानी किरीट जी का नाम यूज करती हूँ। वैसे तुम्हारा ये कहना है कि खाली अपना व्यक्तित्व जी, अकेले अपने फर्स्ट नेम से ही जाना जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे कि आपने बताया, लोग मुझे सभी तरीके से पहचानते हैं। बिल्कुल, और मुझे गर्व है कि मैं किरीट सोमैया जी की पत्नी हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा जी, उसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि मुझे कैसा लगता है। क्या बात। तो मुझे बहुत ही अभिमान या मैं सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ जी कि ताई जी का जो लोकसभा का 5 वर्षीय कार्यकाल था जी, उसके बारे में लिखने का सौभाग्य मुझे मिला जी। और ये सौभाग्य ताई ने मुझे दिया जी, ताई ने इसके लिए हाँ भरी जी, इसीलिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे देखा जाए तो शुरुआत कैसे हुई इस बुक को लाने की, क्योंकि अब तक के तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि लोकसभा का जो 5 वर्षीय कार्यकाल होता है, कई तरह के उसमें काम होते, देश भर के सांसद होते, इतना बड़ा सदन है, उसकी कार्यशैली को लेकर, एक सभापति की कार्यशैली को लेकर, लोकसभा अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर बहुत कुछ लिखा जाए। हाँ, ये बात कहाँ से आई? वैसे तो उसके पहले कुछ लोगों ने लिखा हुआ होगा जी, मुझे तो दो तीन नाम याद भी है जी, जैसे कि मनोहर जोशी जी ने लिखा है। ओके, सुश्री तथा हाँ सुश्री मीरा कुमार जी ने लिखा है जी, लेकिन उनका जो लिखना था वो अलग तरीके से लिखना था जी, जी। जब भी मैंने ताई जी से पूछा तो उसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि मैं भी किरीट सोमैया जी सांसद होने के कारण जी, हमारी सांसदों की पत्नियों का एक व्यासपीठ है, मंच है, खुला मंच है, उसका नाम है कमल सखी मंच जी, जो ताई जी ने ही शुरू किया है। क्या बात, बहुत सुंदर। तो उसके अंदर मैं काम करती थी 5 साल में, और उसकी जो कमिटी होती थी उसमें भी मैं थी जी। तो तभी उन्होंने मेरा काम भी देखा हुआ और आना जाना भी उसके साथ में था जी। लेकिन इतनी भी मुझे पहचान नहीं थी कि मैं उनके सामने जाकर कुछ बोलूं जी। और वो मेरा वैसे देखा जाए तो बहुत स्वभाव भी नहीं है, मैं थोड़ा सा अलग दूर रहने की कोशिश करते हैं, खुद की ब्रांडिंग से अपने आप को बताने से आप कहने की कार्यक्रम और हमने देखा। हाँ, तो मेरा जो काम है मैं मेरे में मस्त रहती हूँ, तो इसीलिए पूछने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो सखियाँ थी कमल सखी मंच में, वो सभी अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान और कर्तृत्ववान दोनों थी, और उन्होंने अपने पतियों को बढ़ाने के लिए उनका उनका जो कर्तृत्व था, पतियों का जो अभी का स्थान है वो मिलने के लिए काफी कुछ कठिन दिनों में उनका साथ दिया था। बिल्कुल सही कहा। तो इनका भी जो भी सहयोग है उनके दाम्पत्य जीवन में, बिल्कुल सही, वो एक कहीं आना चाहिए ऐसा मेरा एक ख्याल था। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने सखी सूत्र करके एक पुस्तक लिखा जी, और वो पुस्तक मराठी हिंदी तथा अंग्रेजी में आ गया जी। तो मराठी पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए मैंने ताई जी को विनंती की। क्या बात। वैसे तो मैंने खाली फोन ही किया था जी, जी। लेकिन ताई जी को पता था और ताई जी भी ये चाहती थी शायद अंतर मन से जी। तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दी कि ठीक है, मैं प्रस्तावना लिख दूंगी। बिल्कुल। उन्होंने प्रस्तावना लिखी,
फिर पुस्तक प्रकाशित हो गई और उसके बाद में मैंने पुस्तक दिया जी। ताई जी को मैंने भेजा पुस्तक और उसके साथ में मेरी एक एक आशा थी। मैंने ताई जी को बोला, ताई जी आपको, आपके ऊपर भी मैं पुस्तक लिखना चाहती हूँ, लेकिन ताई जी ने ना कही जी। फिर मैंने ताई जी को ये कहकर, मैंने ये कहकर उनको थोड़ा सा प्रफुल्लित किया कि ताई जी आप नहीं बोलेंगे तो हम नहीं लिखेंगे जी, लेकिन आपका जो काम है, आपकी काम करने की पद्धति है, बिल्कुल सही, आपकी जो जो यश है आपको जो मिला, बिल्कुल सही, उसका कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और आगे वाली जो पीढ़ी है, हमारी नस्लें हैं, उनको भी ये सभी बातें सामने रहनी चाहिए, बिल्कुल सही। और अभी आगे वाली लोग जो पीढ़ी है, ये जो युवक युवती है, जनरेशन है, वो दे विल नेवर थिंक कि ओके हमारे बड़े लोगों ने बोला तो हमने मान लिया। वो बोलेंगे ये सामने हमें प्रूफ दो, बिल्कुल सही। तो वो प्रूफ कहाँ से देंगे हम, तो हमें लिखना चाहिए, बिल्कुल सही, हमें लिखना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से मैंने उनको बोला, तभी भी उन्होंने बोला नहीं, मैं तो खाली 5 साल में जो काम किया उसी के बारे में लिखूंगी और वो भी पूरा मैं नहीं लिखना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाता है, पुस्तक छोटा होना चाहिए। मैंने बोला ओके ठीक है, हम ऐसा कहते हैं, हम महत्व की खाली 10 बातें लिखेंगे, 10 घटना वाह क्या बात है, चुनते हैं और ये 10 घटना के बारे में ही खाली लिखेंगे। तो ताई बोली ठीक है आप लिखो, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने बोला देखो ताई मैं लिख करके आपको बताऊंगी, क्या बात है, आपको अच्छा लगा तो छापेंगे, नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा तो नहीं छापेंगे। तभी उन्होंने बोला नहीं पहले खाली एक ही प्रकरण भेजो, फिर मैंने एक ही अध्याय भेजा, फर्स्ट चैप्टर उनको अच्छा लगा, आफ्टर दैट शी टोल्ड मी टू गिव 5 चैप्टर्स, तो मैंने 5 चैप्टर भेजे, वो उनको अच्छे लगे, देन आफ्टरवर्ड्स फुल ड्राफ्ट भेजा जी। वो बोले उसमें से उन्होंने काफ़ी सारे करेक्शंस किए, अच्छा एडिशन किए सब, कुछ एलिमिनेशन भी किए, ऐसे करके करते 5 ड्राफ्ट हम बनाए पाए और उसके बाद में उन्होंने हाँ भर दी। उसके बाद में हमने प्रकाशक को ढूंढा, बिल्कुल, और उसके बाद में ये पुस्तक छपने का अवसर मुझे मिला। पहले ये पुस्तक चिपरुण में प्रकाशित हुई रामनवमी के दिन में, हाँ उसके अवसर पर उन्होंने बोला मैंने तो ये राम को अर्पण करनी है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो श्री राम के जन्मदिन पर वो मराठी की पुस्तक जो थी, मराठी संस्करण, हाँ बिल्कुल, वो उधर हमने उसका विमोचन समारोह, हाँ विमोचन तो नहीं किया, खाली अर्पण किया, अर्पित किया, अर्पण किया और चिपरुण में छोटा सा एक कार्यक्रम किया जो उनका ऐसे पारिवारिक ज्यादा पारिवारिक जैसे था, नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, तो वो किया। फिर बाद में हिंदी का पुस्तक हो गया, तो अभी हमने यहाँ पर हिंदी अरविंद जी ने उसको ट्रांसलेशन, अरविंद जी ने उसको ट्रांसलेट किया, वो भी उन्होंने ही कहा कि आपका मराठी है लेकिन अरविंद जी ही हिंदी का करेंगे, बिल्कुल सही। हमने बोला ठीक है आप जैसा कहेंगे, बुक आपका है, धनी आप हो, बिल्कुल सही कहा, हम तो खाली चैनल है जी, बिल्कुल सही कहा है ना, तो इसीलिए आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। तो उन्होंने हाँ जिस तरह से 10 प्रकरण और उसके बाद में अभी इंग्लिश का आ रहा है, ओके, तो इंग्लिश का शायद से अगस्त के टाइम पे आने का सोच रहे हम जी। तो अगस्त में ये पुस्तक इंग्लिश की आएगी, तो इंग्लिश की भी पुस्तक का विमोचन हम करने जा रहे हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसी मीन्स प्रतिक्रिया जो बोलते हैं ना, जैसी चाहत मराठी पुस्तक को और हिंदी पुस्तक को मिली, वैसी ही चाहत अंग्रेजी पुस्तक को भी मिले। और मेरा ये भी प्रयास है कि MPSC और UPSC के एग्ज़ाम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये रेफरेंस बुक तरीके से रखी जाए, क्योंकि इसमें जो भी है वो स्पीकरशिप में क्या क्या होता है उसी का सब ब्यौरा है और वो रेफरेंस के तरीके से वो इसका यूज़ करे, इसीलिए मैं प्रयास कर रही हूँ। कितने पेज की पुस्तक है और कितने दिनों में इसको कंप्लीट किया जा सका है, किस तरह की एक्टिविटीज रही पुस्तक लिखी? हाँ पुस्तक तो खाली 200 ही पेज की बनाने का हमने सोचा था, तो वो 182 वगैरह ऐसे पेज की बनी, उसमें से आठ पेजेस है जो उसमें इमेजेस है कलर फोटोग्राफ्स है और बाकी सभी हमने ब्लैक एंड वाइट में छापा। पुस्तक की कीमत भी हम मूल्य भी हम बहुत कम रखने का सोचा था, उसी तरीके से वो अभी आज तो उन्होंने 200 रुपये में बेची,
अभी उसकी कीमत 300 रुपया है, तो कोई भी आदमी कहीं बाहर खाने को जाता है तो 300 रुपया तो दे ही देता है, दे ही देता आसानी से। हाँ, और सुमित्रा ताई जैसी शख्सियत के लिए जो कि पूरे देश दुनिया में बड़े सम्मान के साथ एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में पहचानी जाती है, और कहीं ना कहीं इंदौर का तो उन्हें हम सभी लोग गौरव मानते हैं, और आज ही नहीं कई साल पहले से इंदौर यानी ताई और ताई यानी इंदौर, और आपने नाम भी पुस्तक का ताई शीर्षक ही दिया। हाँ, ताई शीर्षक कैसे आया? क्योंकि हम उनको ताई कहते हैं तो पुस्तक का नाम भी ताई ताई होगा ना, और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है जी, क्योंकि वो हमारी ताई है जी, वो ताई के हिसाब से हम उनको बड़ी बहन के तौर पर मानते हैं और पूरा देश उनको ताई मानता है। ताई के संपर्क में आपका भाई? ताई के संपर्क में मैं आई, सबसे पहले मैं युवा मोर्चा में थी जी, तभी 89 की बात होगी जी, तभी युवा मोर्चा का इंदौर में अधिवेशन हुआ था। ओके। तभी पहली बार मैंने ताई जी का नाम सुना, मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष थी। ओके। तभी मैंने ताई जी का नाम सुना, लेकिन प्रत्यक्ष ऐसे बोलना चालना मुलाकात चर्चा नहीं हुई। उसके बाद में ऐसी घटना घटी कि वो उसको मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। ताई जी की चाची, वो उनको कोई संतान नहीं था और वो रायगढ़ जिले में एक जगह पे अपने जो ओल्ड एज होम होता है उसमें रहती थी। ओके। तो उन्होंने, उनकी चाची ने वहाँ से पत्र लिखा जी, खत लिखा। हाँ। ताई जी को। हाँ। कि मैं तुम्हें सभी भाई बहनों को मिलना चाहती हूँ। ओके। तभी ताई जी मंत्री थी। हाँ। तभी ताई जी को पता चला कि मेरी चाची ऐसी ऐसी वृद्धाश्रम में है, लेकिन उसने खुद ने तय करके वृद्धाश्रम को रहने का चुना था, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था जी, पुत्री भी नहीं थी और उनको वृद्धाश्रम में रहना अच्छा लगता अच्छा था। लेकिन अभी उनकी लास्ट स्टेज थी, तो इसके लिए उन्होंने जैसे ही खत लिखा वैसा, तभी किरीट जी भी सांसद थे जी, तो इसके लिए किरीट जी को उन्होंने बताया कि आप तो रायगढ़ मीन्स वही जिले से हो, बिल्कुल सही कहा, तो वहाँ पर ऐसा ऐसा वृद्धाश्रम है ओल्ड एज होम है, तो क्या मुझे आप बता सकते हो उसकी जानकारी लेकर के। हाँ। और ऐसी घटना घटी कि ये वो जो वृद्धाश्रम था वो मेरे चाचा ही चला रहे थे। ओके, क्या बात है, कितना खूबसूरत। और मेरे चाचा का ही मीन्स हमारे घर में सामाजिक कार्य करने का बहुत ही पुराने दौर से। हाँ। आपका काफी साधारण व्यक्तित्व के धनी, आप काफी विकलांगों के लिए भी कार्य करते हैं, बहुत लोगों लोगों के लिए भी काम करते हैं, तो ये सामाजिक कार्य करना हमें हमारे जैसे बोलता है ब्लड में ही ब्लड में है, तो हम हमारा ही था वो वृद्धाश्रम जी। तो तभी मैंने किरीट जी ने बताया कि वो तो वृद्धाश्रम मेधा जी मेधा के काका जी काका का ही है, चाचा जी का है, सहयोग। हाँ, सहयोग से मेरा, तो फिर मेधा ही आपके साथ में चलेगी, आपको लेकर जाएगी। क्या बात। तो मैं उनको लेकर गई, वो मेरी और उनकी पहली मुलाकात जी। वो फिर उधर रही चाची के साथ में, पूरा दिन उन्होंने बिताया वहाँ पर, सभी लोगों को उन्होंने गिफ्ट्स दिए, सबकी मीन्स हालत मतलब हालचाल जाना, हालचाल जाना, और उनको बहुत अच्छा लगा। क्या बात है। और उसके और संजोग की बात है, वो यहाँ पर आ गई और दूसरे या तीसरे दिन उनकी चाची गुजर गई। क्या बात, ऐसा लगा जैसे उनसे मिलने के लिए रुके। तभी से फिर मेरी और उनकी मुलाकातें होती रही। चाची का शुभ नाम क्या? उनके चाची का शुभ नाम मुझे इतना याद नहीं है लेकिन अभी, लेकिन क्योंकि तभी बहुत साल हो गए इसके जी, फिर उसके बाद में वो कभी कभी मुंबई आती थी, लेकिन मैंने मिलना बहुत कम था जी। किरीट जी मिलते थे उनसे। ओके, ओके, ओके। लेकिन बाद में जब भी दिल्ली में, अभी लास्ट 2014 से 2019 तक जी, मैं भी दिल्ली में काम करती थी तभी, और पूरे देश भर में काम करती थी, मैं जम्मू कश्मीर में ज़्यादा काम करती थी। अभी बतौर लेखिका कार्य करती थी? पहले तो मैं पॉलिटिकल कार्य करती थी। okay. फिर सामाजिक कार्य भी करने लगी जी। और उसके तभी तो मैं लेखन, ये मेरा ऐसे हॉबी है, ये क्या मेरा व्यवसाय नहीं है, शौक। मैं शौक है, व्यवसाय तो मैं प्रोफेसर हूँ। okay, और मैं 2007 में मैंने 25 साल पूरे किए जी, और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बावजूद जी भी मैं अभी भी पढ़ाने का काम किया। नहीं, हाँ, अभी भी मैं रेफरेंसेस और संशोधक के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में काम करती हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। तो वो मैं
अभी भी मैं प्रोफेसर हूँ जी, लोग पढ़ाती नहीं हूँ बच्चों को, लेकिन संशोधन का काम करती हूँ, अनुसंधान का काम करती हूँ, रिसर्च का काम करती हूँ और स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करती हूँ। क्या बात, कौशल्य विकास ये मेरा मीन्स हृदय से करीबी विषय इसलिए बना, क्योंकि हाँ क्योंकि मेरा PhD मैंने एक्चुअली MSc किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाद में मैंने PhD किया पॉलिटिकल साइंस में स्लम डेवलपमेंट में। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि खारी स्लम डेवलप तो नहीं हो सकती, इसके लिए पॉवर्टी निकालनी चाहिए, इसके लिए अर्बन पॉवर्टी के एक इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया जी। उसके बाद में स्लम स्टडीज का एक इंस्टीट्यूट खोला जी। उसके बाद में ऐसा लगा कि पॉवर्टी कैसे कम की जाए, तो उसके लिए कौशल्य विकास करना चाहिए, फिर कौशल्य विकास किया, अभी मैं एम्प्लॉयबिलिटी पे काम कर रही हूँ, यानी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए जी। तो जैसे एक में से दूसरा विषय दूसरे से फिर उसका हाँ, ऐसे लिखते 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 मैं तो 75 से लिखती हूँ, और वृत्तपत्र में लिखती थी, रेडियो पे लिखती थी, टीवी पे कार्यक्रम भी करती थी, लेकिन ये सब मेरा मराठी के काम था। आप तो जबरदस्त बहुमुखी प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व कह सकते हैं। देखो भगवान ने जो दिया है, जल्दी आप रास्ते नए तलाशते हैं, रास्तों से एक नया रास्ता तलाशते हैं, टाइप पर जो इनोवेशन इज माय यस डोमेन। टाइप पर जो 10 टॉपिक लिए आपने संसदीय कार्य के, उनके सबसे रोचक टॉपिक सुनना चाहेंगे आपके मुखारवी से। सबसे रोचक टॉपिक ऐसा 10 सभी बच्चों में से कौन सा बच्चा अच्छा लग रहा है, ऐसा भी है, ऐसी बात है, लेकिन उसमें से ज़्यादा उनके दिल के करीब का जो था वो था एक ई अहमद करके, उन्हीं के सहयोगी थे जी, सांसद थे जी, काफ़ी साल से सांसद रहे थे, उनका मृत्यु हो गया और उनको मीन्स अर्थसंकल्पीय अधिवेशन था, तो वो अर्थसंकल्प सादर करना था, तभी उनको बहुत तकलीफ हो गई, तो वो सभी जो उन्होंने बताया वो पुस्तक में एक QR कोड में सभी है, तो उनकी कथनी उनके ही जिसमें ऐसे ये QR कोड है होते हैं ना, ये पुस्तक में हर एक जगह पे हमने ये QR कोड बस बिठाए हैं, ताकि देखो ये ताकि ये QR कोड पे आप स्कैन करेंगे तो उसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा, क्योंकि ई-बुक भी है। हाँ ये ई-बुक भी, क्योंकि क्या है नहीं तो वो बहुत बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाता, फिर हमने वो जाने के लिए डिटेल में जाने के लिए जिसको ज्यादा देखना है ज्यादा वो देख सकता है, तो वो मुझे लगता है कि वो चैप्टर है दैट इज मोर रादर नियर टू हर हार्ट। बिल्कुल, और मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व का दो चैप्टर ज्यादा महत्व के लगे, एक तो सक्षम स्त्री सक्षम राष्ट्र, ओके, और दूसरा भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमांकन तय करने का जो उनका प्रयास था उसके बारे में, वो दोनों चैप्टर बहुत ही रुचिपूर्ण है और कठिन है, संशोधन इसमें मुझे इतना करना पड़ा कि एक थीसिस हो सकता है। क्या बात, अंतरराष्ट्रीय नीति पर, वाह बहुत सुंदर। हाँ उसमें उन्होंने कैसे जोड़ा जाता था, वो विदेश में जाती है, क्या बात, जब ही गई तभी उन्होंने सीता जी का श्रीलंका में सीता जी की जहाँ पर उन्होंने रखा था वो अशोक वाटिका देखी, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उनकी जो रखवाली करने वाली थी वो त्रिजटा करके राक्षसी थी जी। तो जब भी रावण का हेतु दुष्ट हो गया, पहले तो रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया था जी, लेकिन बाद में जब सीता जी के बारे में उनके मन में दुष्ट हेतु आया, तभी त्रिजला ने उसे बताया सीता जी को कि देखो आप जरा संभल के रहो। बिल्कुल सही कहा आपने, तो तभी वो बोलती है, उसके बाद में ताई जी का विवेचन बहुत महत्वपूर्ण है, ताई जी ये बोलती है कि एक स्त्री हो करके दूसरे स्त्री को कैसे मदद की और ये परदेश नीति का या विदेश नीति का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्या बात कि है, जो हमारे ऊपर ध्यान रखने के लिए जी, जो पहरेदार है वही हमें उसे बचाता है, क्या बात है, कितनी सुंदर बात, तो वो भी अच्छा, ऐसे काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे, इसीलिए मैंने बोला मैं कितना कहूँ कितना, और अहिल्या देवी जी पर की तो उनकी भक्ति के बारे में सब कोई जानता है, गला भरता जाता है जब भी देवी अहिल्या भाई
होलकर का नाम आता है, जब भी हम सुनते हैं उन्हें देवी जी के बारे में बोलते हैं तो वो तो मुझे लगता है सबको पता है, तो बहुत मार्मिक वक्तव्य होता है उनका। आपके जीवन में ताई जी को इतना सब कुछ 182 पेज लिखने के बाद कुछ बदलाव महसूस कर रही हैं इन दिनों? मुझे एक बदलाव ज़रूर आता है जी, जो उनके व्यक्तित्व का भाग है और जो मैं मेरे में लाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं ला सकूँ कि नहीं, कि बोलने में वो बहुत मृदु है, मीन्स उक्ति में वो बहुत मृदु है लेकिन कृति में वो बहुत दृढ़ है। हाँ, दृढ़, बिल्कुल सही कहा, ये तो दिखता है उनकी। हाँ, शक्ति तो नहीं तो हम क्या करते मालूम है, बोलते तो बहुत है और कटु बोलते भी है लेकिन करते समय हम पूरा हाथ पैर हमारे गल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सामर्थ्य, आत्मनिर्भरता और दृढ़ता, ये मेरे में भी आई। और धारा के विपरीत बहने की जो उनका जो एक आत्मविश्वास जो शक्ति है, शायद मेरे में भी थी, थी पहले से ही थी। आप तो आपातकाल के दौरान भी आप? हाँ, मैं तो जेल में थी आपातकाल के दौरान, मैं 21 दिन जेल में थी। तो प्रवाह के विरुद्ध लड़ने का जो मादा होता है, हाँ क्या बात, वो तो मेरे में था, शायद वो ही देख कर उन्होंने मुझे लिखने का बोला होगा। सही बात है, तो हम सोचते भी शायद सेम लाइन पे जी, विचार भी उसी तरीके से हो सकता है जी, और सहजता और सरलता और ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल सही, शायद ये गुण हमारे दोनों के बीच की कड़ी रही होगी, बिल्कुल सही, ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। वाकई आप तो है असाधारण व्यक्तित्व की धनी है, जिस तरह से सुमित्रा ताई महाजन है। हाँ, अपना एक अलग वजूद हाँ, रखती है पॉलिटिकल। हाँ, देखा जाए तो उनका देश दुनिया में खूब खूब सम्मान से नाम लिया जाता है, और यही बात जो है इंदौर को हर बार गौरव दिलाता है। और आप जैसी सादगी पसंद असाधारण व्यक्तित्व की धनी लेखिका से उन्होंने स्वयं पर जो पुस्तक लिखाई, मुझे ऐसा लगता है पुस्तक हर श्रोता हर पाठक पढ़ेगा जरूर, क्योंकि ताई को पढ़ना मुझे लगता है संसदीय सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना, मजबूती से तैयार करना, स्वयं के लिए एक आत्मबल तैयार करना, ये पुस्तक आपकी काफ़ी कारगर बन सकती है। ताई, आपने एक छोटे से विनय पे मुझसे बातचीत की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।